हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेगनेंसी ज्ञान में, जहां हम आपको बताते हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई हर छोटी और बड़ी बातें। तो आइए जानते हैं कि बच्चे के लिए बेहतरीन नाम चयन करने के कौन से हैं ये 13 तरीके। बच्चे का नाम रखना माता पिता के लिए बहुत असमंजस भरा होता है, क्योंकि नाम किसी भी व्यक्ति की पहचान होता है और नाम से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी झलकता है। गर्भावस्था के दौरान ही एक अच्छे नाम को ढूंढने की कवायद शुरू हो जाती है। न केवल माँ बाप बल्कि परिवार का हर सदस्य अपने अपने ढंग से बच्चे का नाम सुझाता है। कुल मिलाकर बच्चे का नामकरण करना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप भी ऐसे मुश्किल में हैं, तो आपको अपने बच्चे के लिए कोई अच्छा सा नाम नहीं सूझ रहा है, तो हमारे ये 13 टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों से सलाह लीजिए, ऐसे दोस्तों से सलाह लीजिए जो पहले से पेरेंट्स बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपने बच्चे के नामकरण के लिए कवायद की हुई होती है। आसान नाम की तलाश कीजिए। आसान नाम रखने से इसे पुकारने में आसानी होगी और लोगों की जुबान पर आसानी से छा जाएगा। अर्थपूर्ण नाम होना चाहिए। बच्चे का नाम हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसे नामों का चयन करें जिनका कोई अर्थ हो। बच्चे का नाम लंबा रखने की बजाय छोटा रखें। एक नाम ही काफी होता है। कुछ लोग बच्चे के 3-4 नाम रख देते हैं, यह सही नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चे का सिर्फ एक नाम हो। ऑनलाइन का सहारा लीजिए, क्योंकि इंटरनेट पर आपको लाखों नामों की सूची मिल जाती है। उसमें अच्छे अच्छे नामों का चुनाव करके अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं। परिवार वालों के नाम पर भी अपने बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। अगर घर में किसी का नाम आपको सबसे प्यारा लगता है, तो आप अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। बच्चे का नाम थोड़ा अलग होना चाहिए, ताकि वह सबके बीच में अपने नाम के आधार पर भी प्रसिद्ध हो जाए। नामकरण करते वक्त गोत्र और नक्षत्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक नाम को चुनकर उस पर ऑनलाइन वोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा उस नाम पर अपने दोस्तों और घर वालों की राय ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रेगनेंसी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।